बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पोहे के कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए जी इसे झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 2 कप के करीब पोहे ले लिए थे। पोहे आप कोई भी ले सकते हो, पतले वाले, मोटे वाले, कोई भी पोहे ले सकते हो। और इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। पानी से वॉश करने के बाद मैं छन्नी की मदद से इसका सारा पानी छान लूँगी। और पानी छानने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसमें 1 आलू को बॉईल करके जो मैंने रखा था हाथों से मैश करके इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैं हरी मिर्च डालूँगी 1 टेबल स्पून पूरा भर के। मैंने चॉप करके हरी मिर्च को रखा था। मेरी हरी मिर्च काफ़ी तीखी वाली थी। तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला पाउडर। और उसके बाद मैं चीनी डालूँगी पूरा 1 टेबल स्पून भर के। चीनी से इसका जायका बहुत बेहतर आता है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके कटलेट्स बना लूँगी। अब चाहो तो इसके बॉल भी बना सकते हो और टिक्की भी बना सकते हो। माशाल्लाह से सारे कटलेट्स रेडी हो चुके थे। तो तेल की आंच को मैंने तेज़ रखा था। मीडियम आंच पे इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और तेज़ वाली आंच पे मैंने इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया था। सारे कटलेट्स रेडी हो चुके थे तो मैं इसे डिस आउट कर दूँगी। और आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।